साला सच्चाई पे से इंसानियत पे से तो पूरा भरोसा ही उठ गया है यार। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है सलमान खान रितेश को ये सलाह देते हुए दिख रहे हैं कि तुम अपने पार्टनर से ढंग से पेश आया करो। बताओ वायलेंस क्या होता है, बताओ भाई साहब। आपने बहुत पहले बता दिया है कि वायलेंस होता क्या है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है एक समय पे ऐश्वर्या राय को जो है भाई बेल्ट धोया था बंदे ने, और अभी रितेश को बोला जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रितेश सही है, रितेश अगर गलत है तो भाई उनको जो है पाठ पढ़ानी चाहिए, लेकिन वो इंसान तो पाठ ना पढ़ाए जो पहले से ऐसा कांड करके बैठा हो। अब अगर कल को सलमान खान ड्राइविंग लाइसेंस इशू करते हुए देखे गए तो पता, पूरा हफ्ता बिग बॉस जी जान लगा करके देखो और उसके बाद से होता क्या है। ठीक वीकेंड के वार से एक दिन पहले जो कांड हो रहा होता है उसी टॉपिक को लेकर के जो है सीधा वीकेंड का वार चला देते हैं ये लोग। और अगर कुछ ना मिले तो सलमान खान आकर के सबका पोल खोलने का काम करते हैं, सबका जोड़ी तोड़वाने का काम करते हैं, जो कि हर सीजन में इनका फिक्स रहता है कि मैं मजबूरन ये कर रहा हूं, मुझे ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड लुक्स तो ऐसे दे रहे होते हैं कि बिग बॉस चाहते हैं, वो चाहते हैं जो है ना सलमान खान ही है। हमारे डॉक्टर साहब बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो डॉक्टर है डॉक्टर। मैं इस एज वाले डॉक्टर के पास तो कभी ना जाऊं, और खास करके जिसकी दिमागी हालत ऐसी हो, पता नहीं कौन सा इंजेक्शन ठोक दे अपने पिछवाड़े में। बट आई लव दैट पर्सन बिकॉज आई लव महाराष्ट्र, आई लव मराठीज, एंड दिस इज द स्वामी ओम पार्ट 2। चुम्मी देना देना चुम्मी दे पप्पी देना, फ्रेंड के हिसाब से देना, वो SRK वाला सीन जैसा चाहिए मेरे को, इमरान हाशिमी वाला नहीं। साला इसके साथ में जब भी कुछ होता है लैंग्वेज प्रॉब्लम है भाई साहब को जो है ना सही से शब्द यूज करना नहीं आता, इसीलिए तो बिग बॉस लेकर के आए हैं कि इनके शब्दों के जाल में आकर के लोग जो है हाइपर होते रहेंगे और हमारा TRP भी एकदम। आसिम के पास में कुछ तो सेंस था, इस झंडो के पास में हर चीज घुमा फिरा करके मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो कल से मेरा भी हक बनता है फिल्म डायरेक्टर को जाकर के बोलूं ऐसा नहीं ऐसा करो, मैं यूट्यूबर हूँ, तुमने 4 फिल्म बनाए हैं, मैंने 500 वीडियोस बनाए हैं, इसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, 500 वीडियोस या तुम्हारा 4 फिल्म। वैसे वीडियो जहां से शुरू किया था वहीं पे लाके खत्म करना चाहता हूं कि भाई रितेश 25 लाख रुपए, यार बिहार की एक फैमिली से 25 लाख रुपए लेकर के भाई साहब ने शादी की। उससे पहले जो फोन तक था उनके पास में, बताते हैं कि भाई व्हाट्सएप नहीं चलता था, थोड़ा सा बिलीव करने लायक तो नहीं है, क्योंकि ये 200 करोड़ वाली कंपनी को चलाते हैं अकेले, इनके पास मतलब बहुत बड़ी कंपनी है और लाखों करोड़ों में कमाते हैं। इनके पास फटे हुए जीन्स थे, 2 टी-शर्ट थे वो भी फटे हुए थे, और इनकी वाइफ आने के बाद में फ्लिपकार्ट से खरीद करके जो इनको कपड़े पहनाए हैं, और ये बंदा अभी जा करके कहता है मैं कंपनी का मालिक हूँ। इन सब चीज़ को देखने के बाद तो एक चीज़ समझ में आ गया है कि जितनी भी बीवियाँ हैं वो प्लीज़ TV, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह देखा करें, क्या पता आपके पति के कुछ कच्चे चिट्ठे सामने आ जाए। जो अपने काम में बिजी रहती हैं प्लीज़ थोड़ा टाइम निकालो, पति के कांड दिखेंगे। और अगर पति रात को 4 बजे उठ करके कहीं बालकनी में जाके फोन पे बात कर रहा है ना, ऐसे भी प्रदूषण बनो, बोलो कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ओके दैट्स इट, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।